ये हमारी आलू पैटी कटलेस, आपने अगर इसकी रेसिपी जाननी है तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपना लगी हूँ चिकन और आलू की पैटी या चिकन और आलू के कटलेस। ये 3 पाव आलू हैं, ये इनको मैंने बॉईल किया है, फिर छील के और मैंने इनको मैश कर लिया है। और ये 1/2 kg शैटर्ड चिकन है, बॉयल शैटर्ड चिकन है, 1.5 प्याली तकरीबन, 1.5 पाव के करीब है। ये कुछ धनिया है और 4-5 हरी मिर्चें हैं, एक टेबल स्पून साबुत धनिया है और एक ही टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गदरा मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। ये स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून भर के सरसों के बीज या राई और मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, ये वो हैं, इनको मैंने गदरा इनको मैंने कूट लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट भी इसमें डाला जा सकता है। ये 1 टेबलस्पून भर कर है और इसमें हम डालेंगे 2 स्लाइस ब्रेड के, 2 स्लाइस इसको हम पानी में डिप करके डालेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हम इसमें ये चिकन डालेंगे, बॉयल चिकन है शैटर्ड, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें ये सब्ज़ मिर्ची और हरा धनिया ये इसमें डालेंगे और ये मस्टर्ड सीड्स के जो हमने पीसे हुए कूटे हुए वो डालेंगे और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये ब्रेड के स्लाइस हम इसमें पानी में डिप करेंगे, इसको हम ऐसे अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना और डालेंगे सोया सॉस। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार बन चुका है, सब मिक्स हो गया। हम इसकी अब हम टिक्कियाँ या जिस तरह की आपको शेप पसंद है आप वैसे ही बना लें, गोल बनाएं या जैसी आपको पसंद है वैसे बना लें। तो मैं इस तरह की शेप बना रही हूँ, इस तरह की शेप भी आप बना सकते हैं और इस तरह की शेप भी आप बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद है वैसी शेप बना लें। ये हमारे कटलेस पैटी जो है वो तैयार हो चुकी हैं सारी, ये हम अब करेंगे फ्राई। हम लेंगे 1 अंडा, इसको हम फेंटेंगे अच्छे तरीके से, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आप दूध भी डाल सकते हैं और हम उतनी कटलेट्स फ्राई करेंगे जितने हमें चाहिए होंगे, बाकी हम फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, हम उतनी फ्राई करेंगे जितनी हमें चाहिए। इसमें हम 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल कर देंगे, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। अब इसमें हम कटलेट्स फ्राई करेंगे, मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी। आपको फ्राई पैन में और तवे पे जिस पे भी आपको इजी लगता है उस पर फ्राई करें मुझे तवा इजी लगता है, मैं इस पर फ्राई करूँगी। इस पर आप डालेंगे घी, ऑयल जो आपको पसंद है, जो भी आपके पास है वो आप डालें। इसको करेंगे थोड़ा सा गर्म, ये हमने शैलो फ्राई करनी है और तेज़ आँच पर करनी है क्योंकि सब कुछ तो इसमें बना हुआ है, गला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है। और सॉरी अगर मेरी बात करने में आपको समझ नहीं आ रही, मुझे बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, मुझे मैं एस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं एस्थमा पेशेंट हूँ
और इस वजह से मैं मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसको छेड़ेंगे नहीं, वरना ये ख़राब हो जाएगी। ये फुल घी गर्म घी ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। इसको सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा फ्राई होने में। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, कटलास टिक्कियाँ, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, आलू पेटी। ये हमारे आलू पेटी कटलस तैयार हो चुके हैं। आप इसे दही के रायते के साथ, चटनी वाले रायते के साथ, काली मिर्च और जीरे के रायते के साथ, जीरे के रायते के साथ एंजॉय करें। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप केचप के साथ, मायने के साथ भी इसको आप खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद अच्छा लगे। ये आप एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।